आ जाएगा फोन तो ठीक है, आ जाएगा, लेकिन मुझसे बात के बगैर इतनी देर वो रह नहीं सकता। पता नहीं क्यों नहीं कॉल की अब तक। तुम मिलाओ जरा फोन। अम्मी। आधा घंटा ही तो ऊपर हुआ है, आ जाएगा। लीजिए, आ गया। हाँ हेलो। वेलकम बड़ी अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। तुम कहाँ थे बेटा, इतनी देर से फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें पता मैं परेशान हो रही थी। वो बस बड़ी अम्मी कुछ शादी के कार्ड्स बांटने थे तो इसलिए निकला हुआ था। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ये बताओ, दिन कैसा गुजरा? कहीं बाहर हो क्या? जी वो असल में गाड़ी पंक्चर हो गई थी मेरी। अरे बेटा, तो तुम क्या सड़क पे खड़े होकर बात कर रहे हो? जी तो बेटा, ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी तुम्हें? जी बड़ी अम्मी, बस आप मेरे फोन का इंतजार कर रही होंगी, परेशान हो रही होंगी तो मैंने कॉल कर ली। हाँ मैं परेशान हो गई थी। लेकिन किसी को मदद के लिए बुलाया तुमने, कोई मैकेनिक वगैरह? तुम यूँ सड़क किनारे खड़े हो, ये कोई मुनासिब तो नहीं, आजकल के हालात का पता है? जी मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया तो है, वो बस पहुंच ही रहा होगा। हाँ बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें गर्म हवा भी नहीं लगेगी। इतनी दुआएं करती हूँ मैं तुम्हारे लिए। जी आपकी दुआएं तो हैं बड़ी। चलो ठीक है, जब घर पहुंच जाओ ना, खैरियत की इत्तला मुझे दे देना। जी मैं घर पहुंचते ही आपको इत्तला करता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी खराब हो गई थी बेचारे की। एक तो इस मुमताज ने मेरे बेटे को मुलाजिम बना के रख लिया, फिर रुहेल की शादी है तो कार्ड भी उसी से बंटवा है, इसे किस लिए ख्वार किया हुआ? अब रुहेल भाई अपनी शादी के कार्ड्स खुद बांटते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे हमें। होगी जवाब से बात? हाँ टेक्स्ट किया मैंने उसे, आने वाला होगा। तो तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे? बड़ी अम्मी से। आज लेट हो गया ना तो परेशान हो रही हो। मेरी भी बात करा देते। क्या पागल हो गया? अगर उन्हें ये पता चलता कि तुम मेरे साथ सड़क पर खड़ी हुई हो तो और परेशान हो जाती। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं। ऐसा ही है जी? नहीं। अच्छा तो अभी फोन कर देता हूँ, ऐसी भी क्या बात है भाई। अच्छा नहीं ना, रहने दो, मैं आराम से कर लूंगी। साफ साफ कहो ना, बड़ी अम्मी के खौफ से जान जा रही है तुम्हारी। अच्छा और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके शहजादे की 7 गर्लफ्रेंड्स है शहर में, तो जान तो तुम्हारी भी नहीं बचेगी बच्चों। हर खुदा का खौफ करो, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड्स आ गई? वेल जरूरत पे इजाद की जा सकती है। बहुत बुरी, बदनाम करोगी तो मुझे सर? नहीं, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ होती है। और तुम बहुत बुरे हो, स्पेयर व्हील भी नहीं रखा। हमें कितनी मुश्किल हुई तुम्हारी वजह से। क्योंकि मैं जरूरत को इजाद की सौतेली माँ समझता। तुम भी ना जैन। अच्छा प्लीज कॉल करो ना उसको, पता नहीं कहाँ खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे इतनी परेशानी होने लगी थी अब तो। वो पप्पू गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। ओहो बड़ा ओहो इस बात पे कि स्पेयर व्हील भी नहीं था इसके पास। चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गए ना खैर खैरियत से, इतनी सारी परेशानी के बाद। और इसके सारे दोस्त इसी की तरह हैं, कोई टाइम पे नहीं आता, इतना वेट कराया हमें। तुम्हारी कौन सी कोई सहेली वक्त पे साथ देती है? शफक। अब उसका तो मुकाबला नहीं है ना किसी से। तहरीन क्यों हर वक्त इस बेचारे के पीछे पंजे झाड़ के पड़ी रहती हूँ? इसे नहीं कहते, देखो कितना थक के आया वो, फिर भी हंस रहा है। और तुम इतनी सी परेशानी तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, फौरन चिढ़ने लगती। छोड़ो। अच्छा बात सुनो, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ, तुम्हारी पसंद का खाना बनवा रहा हूँ। जी पप्पो। जी पप्पो, तुम्हारी पसंद का खाना, तुम्हारे मुंह हाथ, अपनी बेटी नहीं नजर आती, हर वक्त इतने लाडले को पूछती रहती हूँ। तहरीन अरे चेंज करके आ रही हूँ मैं। इसकी बातों का बुरा ना मनाया करो, ऐसी है ये। नहीं पप्पो बुरा क्यों मनाऊंगा, मैं जानता नहीं हूँ इसको। तुम्हारे बाबा की कॉल आई। अच्छा क्या कह रहे थे वो? आज इत्तेफाक है मेरी बात नहीं हो सकती उनसे। आने का बता रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि कब आएंगे, सरप्राइज रखते हैं बाबा। वाह। अच्छा जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवा। जी।